गणेशपेट थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात 5 आरोपियों ने मिलकर पुरानी दुश्मनी को लेकर एक व्यक्ति को चाकू से गोद डाला। कोरोना के कारण फैली दहशत के बीच यह वारदात हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात 11:30 बजे घर नंबर 443 नई शुक्रवारी रामाजी वाड़ी निवासी शैलेश कृष्णाजी उगड़े उम्र 27 नई शुक्रवारी रामाजी बिल्डिंग निर्मा बिल्डिंग सूरज उमाटे रोड के पास अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच वहां आरोपी राम कुलर चौक रामजीवाड़ी निवासी बंटी कलम्बे सोमवारी क्वार्टर निवासी अर्पित झाड़े टांडापेट निवासी अंकित बोकड़े छोटा ताजबाग निवासी अदरिया दीपक कोठीवाला तथा राम कुलर चौक निवासी हर्षल मानले पहुंचे। पुरानी दुश्मनी को लेकर आरोपियों ने शैलेश के साथ विवाद शुरू कर दिया और चाकू निकालकर शैलेश के सीने हाथ पैर पर वार कर उसकी हत्या का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में शैलेश को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर भर्ती किया गया। गणेशपेट पुलिस ने शुभम कृष्णाजी उगड़े की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बंटी कड़म्बे और ये जो जख्मी शैलेश उगड़े, इसका भाई का दोस्त वैभव चरडे, इन्होंने मनपा स्कूल में जो सब्जी का मार्केट यहाँ मनपा के तरफ से भराया गया, तो वहाँ इन्होंने सब्जी का दुकान लगाए थे। तो ये वैभव चरडे बंटी के तरफ देख रहा था, बार बार देख रहा था, तो उनमें शाम के समय 6-7 बजे वो देखने के कारण से उनका दो दो बातें हुई थी कि मेरे तरफ तू क्यों देख रहा है, ऐसा ये बंटी कड़म्बे ने उसको बोला था। तो उनका ये ऐसा ही झगड़ा हो गया था उनका बातों बातों में। तो ये शैलेश उगड़े इसने बोला कि झगड़ा मत करो, छोटी सी बात के लिए क्यों झगड़ा कर रहा है, ऐसा करके उनका झगड़ा बीच में जाके उनको शांत किया था। तो ये फिर मार्केट हो गया, 9 बजे तक मार्केट तो बंद कर दिए हमने, फिर ये घर को चले गए सभी। तो बाद में ये बंटी सेड़ के अपने उसको दोस्त लोगों को लेके, जब ये जख्मी शैलेश उगड़े ये उसके दोस्त के यहाँ, दोस्त थे उमाटे, सूरज उमाटे के घर में बैठा था रात में 11:30 बजे, वहाँ मोटरसाइकिल से आए और उसको बोला कि तुम शाम के वक्त हमारे झगड़े के बीच में क्यों आया, ये बातों में उसको वहाँ पकड़ के चाकू से मारे, जख्मी किए उसको, बुरी तरफ से गंभीर जख्मी हो गया। फिर उसके दोस्त जो दोनों थे वहाँ पर, उसको मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ है, वो भर्ती है, उपचार चालू है। ये जो आरोपी लड़के हैं इनके ऊपर हमने 307 143 147 48 49 188 और 425 आर्म एक्ट के मुताबिक गुना रजिस्टर किया है। 4 आरोपी हमने अरेस्ट किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे क्राइम PI ज़्यादा साफ कर रहे हैं, और भी इसमें कौन है उसको जल्दी अरेस्ट करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।